और देख जो कुछ वहां हुआ है ये बात अपने भाभी से नहीं बोल रहा हूँ। अगर वहां मुख खोला तो सारा खेल निकल जाएगा। ठीक है बोलना नहीं देख आती हो लेकिन यार हराम खोल में तेरा मुखला जब तेरे मुँह में गोली बार दूंगा। इसे मुंह नहीं खोल रहा स्वामी जी मैं आ जा कहना चाहती हूँ जान के बाहर क्या है तो इनसे कुछ कहना चाहते वही बात आज बात है इनसे आज कुछ कहना चाहती हाँ तब वो तो नहीं कर वही बात आ क्या क्या है यार? पागल इसकी बातें मत आइए जो बोलना स्वामी जी मेरा तो कुछ कहना चाहती लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही पक्का वही बात पक्का वही बात है यार कौन सी बात है कहना चाहती हिम्मत नहीं पड़ रही भैया वही बोलो तुम कहना क्या चाहती हो वही चांदी से आई हो गई है क्यों ना उसकी उसकी सारी कर दो अपने ससुराल के लिए अब यही हम सब बदलाते हैं अच्छा यही बात है यार अब से आज छकान तो तुमने अपने दिल में जैसे सोच लिया कि हम चांदी की शादी कर देंगे अरे सोचिए कौन जो हमारी सगी बहन है अगर शादी करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा सोचा है तुमने स्वामी जी क्या सोचिए मैं मानती हूँ आपकी सगी बहन नहीं लेकिन ये दुनिया वालों की नजर में आपकी बहन है मान लीजिए सियाणी हो गई है कहीं गलत पैर उसके उड़ गए तो हमारी तुम्हारी नाम कर जाएगी कर जाएगी क्या सोचिए सही कहा देखे ब्याह हो जाए तो वही नहीं खुद इसकी बात कर रहे बहुत जने बहुत जने हैं ब्याह वालों ही हमारे जो होते मेरे लेके देवता ऐसे नहीं करेंगे नहीं देवता तो पूरा प्रगटे नहीं अरे जब मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी है तो क्या जरूरत है लेकिन दूसरे के पत्नी के चावल थोड़ा बड़ा ला है अरे तेरे को भाई आपको बोलेगा क्या है कोई ब्याह की बात और ये स्वामी जी छोड़िए और जी करे वो नौकरानी है उसे नौकरानी बनाकर रखो बात समझिए स्वामी जी क्या करो शादी करना पड़ेगा पागल हो गया पहले उसके लिए जमीन बेचूंगा लेकिन अगर ब्याह ना करो लोग बात मकान बात हो ही नहीं मान लो जवान सया नहीं मान लो राह भटकी सका यार देखो
मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा है, तो महेश देवता है तो महेश देवी दिमाग आगे चल रहे, आप कौन तरकीब निकालोगे बुराई भराई बच जाए। एक तरकीब मेरे पास तो है, लेकिन तेरे भैया कहीं बुरा है। नहीं आज तो बुरा ना मानिए, आज तो बुरा मानी है ना, अगर बुरा मानी है तो वो बात तो खुद ही ब्याहे वाली, ब्याहे वाली कैसे ब्याह हो। हाँ सही कह रहा हूँ स्वामी जी, बुरा तो नहीं मानेगा। बोलो आप कह लगे जाती है स्वामी जी, मैं आज से ये कहना चाहती हूँ किस्मत आए। अरे ये जब हमारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, प्यार से महालक्ष्मी। हाँ महालक्ष्मी, महा लगा होंगे। आपसे ये कहना चाहती हूँ, बोलो आप बस कर भाला मरा जा रहा है आराम को। अरे तो उधर को देख, मैं अपनी बीबी के संग ऐसा कर रहा हूँ तो तुम क्यों देखते आ रहे हो। बोलो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ मेरे लिए। बोलो मेरी लक्ष्मी, नहीं मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी रंडी के कोठे भेज दो। भैया सोचो अगर शादी करोगे, शादी करोगे महामोर दौलत हाथ से चली जाएगी, दहेज में आजकल खाए का ठिकान नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल मांग रहे कौन तुम्हारा सगी महीना है। रंडी खिया बेची हूँ वहां पैसा मिली, हमार बहन हो तो कभी बेच खाए। बात तो ठीक है। अरे यार भला तुम्हार मेहरा तुमका गलत सोची तो नो, और कहीं मैं ऐसा मौका मिलेगा काम, अब शादी करेंगे तो बहुत ज्यादा ही मिलेगा। आज एक ये बोलो कि रंडियों का कोठा तो मैं नहीं जानता, तुम जानते हो बड़बड़ी करता है क्या। अच्छा लगता है, एक बात सुनो, रंडी तो हम तमाम जानते हैं, लेकिन एक रंडी है जो बहुत पैसे वाली है, आपकी बहन खरीदेगी। कौन सी वो रंडी है। चमेली वाली। चमेली कहाँ की है। आलमपुर की। आलमपुर की पैसे वाली है। काका के बहने को अरे जब चा बनावत रहे तो क्या हुआ। अरे वो जो बन के डाकू तो बहन जब भाग खोली रंडी खाना, तो इसका मतलब वो कोठा चला रहे हैं। कोठे चला चोरी करके चाहिए गया ऐसी बात है तो हम इसी में चलते है शमेरी भाई के कोठे में और सदा पक्का करते हैं। ठीक है भैया मैं जा रहा हूँ और सारा सीख लो पक्का करके मैं वापस आऊंगा। अरे यार मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता हूँ, तो मैं अच्छी तरह से मालूम हूँ, मैं जा रहा हूँ और यूं गया क्यों आया। अरे बाजू देने की बात नहीं करेंगे, मतलब ऐसी वैसी है की उनको देख करके उनकी कहीं निगाहें बदल जाए, अगर वहाँ कुछ भी करती है तो अगर मुझसे बताना ठीक है, हम काम में मस्ता लगाना बोलते रहना ठीक है। 5,000 दिए जाओ। 5,000 क्या हो गए। देखो अब रंडी कोठा जाए रही तो
तुम इतना क्षीण देखो खोपड़ी हमारो खराब हो गए क्या बापन 5,000 ले गए हो तो जियो हम कह जाए कहाँ से बीबी कहाँ चाहिए वहाँ मेरा नहीं है मैं क्या मेहर जाकर उसको ला अपने घर में बैठा अरे झगड़ा चल रहा है वरना झगड़ा चल रहा अरे तो जाकर उसके उसके हाथ पैर जोड़ उसको ला के घर में बैठा अरे ओके हम मोहन जी पर बना है हमका लागा तो कहूंगा दुर्गा से हुआ फकी अंते है तो 5,000 लेकर जाके कोठिया पर मौज मस्ती करोगे चलता है पैसे ले तो दुनिया में अपनी चिंता देगी सुनो मेरी बात पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है तेरे भैया ने रहे ना मौका निकाल के आ जाना तेरे भाभी जिंदा है क्या गाना चाबी गाड़ी के चाबी मेरे पास तुम यहाँ क्या कर रहे हो अरे हराम खोर तुम मेरी बीवी से क्या बातें कर रहे हो गले के छुटे यहाँ जब मैं तुझे कहा कि मेरे साथ आओ तब तुम रुके क्यों चाबी गाड़ी इस चाबी मुझसे मांग रहा था मैं बोली भैया तेरे चाबी लेकर गए और रही बात मैं इससे यही बात करेगी कि भैया को लेकर बहुत जल जाना आप तो जानते हैं मेरे देवता के हाथ में कोई मैं दिल नहीं रखता देखती हूँ क्या तुम्हारी भी जमे की तुमको इतने साले अपनी लक्ष्मी को विश्वास नहीं तुम्हें तुमका विश्वास है मेहराज नहीं एक चुप्पे है लेकिन इसीलिए छोटे मेरे है क्योंकि ये नियत का बहुत खोटा है बात पक्की है बात पक्की है यार लेकिन एक बात समझ लो चिल्लाओ मत करो जो ब्राह्मण होगा ये चिल्लाने वाली बात है हाँ चुप कर करो हाँ भगवान जाने हम हो नहीं है क्या भगवान जैसा दे दी छप्पर फार के दे हमका तो भजन चाल के दे रहे पैसा मिल रहा व्यवस्था मिल रहा ऐसे बड़ी व्यवस्था हुआ कौन हो लेकिन एक बात नहीं अब तो ये अपन निधि हो ही गई यार अगर कहूँ ठीक ठाक हो तो वो व्यवस्था कर ये तो अपन हो ही नहीं गए अब जाना हूँ कोठे जी ये बताओ आज कितने का मॉडल लेकर आई हूँ आज का धंधा मॉडल चल रहा है कुछ भी कमाई नहीं हो पाती है बस 200-300-400-500 रुपए कमाई हो पाती मैं चले सोचो अगर नहीं की कमाई करोगी तो हमारो और आपका खर्चा कहाँ से चलेगा यही तो मैं भी सोच रही तुम कितना लेकर आई हूँ मालकिन मैं भी गई थी आज अपने मौर्या के गांव में मेरा बहुत पुराना घर है मौर्या हाँ आज मुझे पूरे 20,000 रुपया देकर भेजा तू ही ठीक है ऐसे ही कमाई करो पर कोठा चलता रहे अगर कमाई नहीं होगी तो एक दिन कोठा टूट जाएगा क्यों नहीं मैं और अगले हाथ मर के ऐसे ही भेज जाएंगे हाँ चलो ठीक है देखो मैं कहा था तुझे मत जाने देना ऐसा फैसला क्यों जाने न पाए चलो ठीक है
कुछ कहो, कोई ग्राहक का ही चाहिए।